नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की आंसर की जारी कर दी गई है, काफी तेजी है उसमें। अभी एग्जाम जस्ट खत्म हुआ है कि आज आपको आंसर की देखने को मिल गई है। बच्चों, आप सभी लोग एक बार लिंक पे जाके, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्हें लिंक नहीं मिल रही है, जिनके लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है जिसके माध्यम से आप अपने जो आंसर की हैं उसे देख सकते हो, मिलान कर सकते हो, कितने अंक आप अर्जित कर रहे हो, कंप्यूटर में कितना पा रहे हो। कंप्यूटर में यदि आपके 20 नंबर से कम होंगे तो आपकी कॉपी जो 2 होगी वो चेक नहीं होगी, मतलब कि जो सेकंड पार्ट होगा उसके मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे, वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये जानकारी आपको पहले से ही दी गई थी, आपको पता होगी बहुत सारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी आप एक बार जाके एक बार चेक करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो लिंक कौन सी है, कैसे दिखेगा, वो मैं एक बार आपको यहां पे दिखा दे रहा हूं, फिर सारी चीजें बताता हूं कि उसका कट ऑफ वगैरह क्या। जैसे कैंडिडेट लॉगिन पेज ओपन होकर आएगा, जैसे ही जो दिया हुआ लिंक है यहां पर आप देख रहे होंगे, तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये पेज ओपन होकर आएगा। कोई बच्चा अगर फोन में ओपन कर रहा है तो जब आप ओपन लिंक करो, क्रोम के माध्यम से लिंक करो, ब्राउजर के माध्यम से, और जब आप वहां पे 3 डॉट पे क्लिक करते हो, ऊपर में आपको इतना बता दूं कि सपोज करो यहाँ पे जो ऐसे 3 डॉट दिख रहे हैं, अगर आप मोबाइल में खोलोगे तो क्रोम में 3 डॉट दिखेंगे। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो ये डेस्कटॉप साइट आता है, डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर दोगे तो ये डेस्कटॉप की तरह ओपन होके आ जाएगा, वहां से आप अच्छे से मिलान कर सकते हो। यूजर आईडी और पासवर्ड में क्या डालना है, जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे थे आपके एडमिट कार्ड में वहां पे यूजर आईडी भी दिया होता है और आपका पासवर्ड भी दिया होता है। नहीं दिया होगा पासवर्ड तो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसी फॉर्मेट में आपका पासवर्ड होगा, हालांकि दोनों दिए होते हैं। और ये आप कैप्चा भर के फिर जैसे ही लॉग इन पे करेंगे, आपका जो पेपर है रिस्पॉन्स की कौन सा क्वेश्चन था, क्या सही आपने लगाया है, क्या आपने जो लगाया है वो सही है या गलत है, और ये आपको बताता जाएगा कि इसमें करेक्ट आंसर क्या है, आपने क्या लगाया है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करते हुए टोटल देख लो कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। और जितने मार्क्स आपके आ रहे हैं उसकी जानकारी आप टीम परीक्षा प्लस को दीजिए, ताकि एक बहुत अच्छी कट ऑफ की एनालिसिस की जा सके, एक सटीक कट ऑफ की एनालिसिस की जा सके, क्योंकि बच्चों सब कुछ आंकड़ों पे ही है। और हमारे पास जितना आपके पास ज्यादा से ज्यादा डेटा आ जाएगा कि कौन सा बच्चा कितना पा रहा है, उतने ही सटीक हम लोग कट ऑफ आपको यहाँ पे दे देंगे। नो डाउट यहाँ पे सबसे ज्यादा संख्या में अगर रिस्पॉन्स आने वाले हैं तो टीम परीक्षा प्लस के पास आने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने मित्रों के साथ भी, जो गूगल फॉर्म का लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक को गूगल फॉर्म के अपने दोस्तों के साथ जो भी पेपर दिए उनको भेजिए, उनसे बोलिए कि आप इसमें अपने डिटेल फिल करो, कुछ नहीं करना है, केवल नाम डालना है, मार्क्स डालना है, कुछ नहीं डालना है उसमें, केवल 2 डेटा आपको देना है, नाम और मार्क्स, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा बच्चों के मार्क्स कलेक्ट हो पाए। एक पोल की तरह वो आपका होगा और जैसे वो हमारे पास डेटा आ जाएगा उसकी सटीक एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से कि क्या हो सकता है, और सबसे बड़ी बात है नॉर्मलाइजेशन का क्या फर्क पड़ सकता है, कौन से शिफ्ट सबसे ज्यादा टफ थी, कौन से शिफ्ट सबसे ज्यादा आसान थी, किसको कितना फायदा मिलेगा, ये सारी एनालिसिस आपको अगले वीडियो में दे दी जाएगी। तो वो फॉर्म आप जरूर भर दीजिएगा, आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, कट ऑफ की वीडियो आपकी कब बनाई जाएगी। तो बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। एक चीज और कि जो बच्चे आप लोग पेपर देके आए हो वो जो नीचे नंबर चल रहे हैं इन पे अपनी रिस्पांस की सेंड भी कर दो, ताकि ये मुझे पता लग पाए, क्योंकि ये ऑनलाइन पेपर हुआ था, सारे क्वेश्चंस टीम के पास आए नहीं थे। अब आपके पास रिस्पांस की आ गया है तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे अगर कोई बच्चा डाउनलोड नहीं कर पा रहा है तो आप जब डेस्कटॉप में ओपन करते हो कंट्रोल पी दबाओगे तो वो सेव एज अ पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, सेव एज अ पीडीएफ कर लोगे तो पूरा पेपर आपका क्या आ जाएगा, वहां पर डाउनलोड हो जाएगा। वो पेपर आप हमें दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर दोगे तो जो प्रश्न विवादित है उनका हम एक आपको पीडीएफ बना के दे देंगे कि इस प्रश्न पे आप क्लेम कर दो, ताकि इसका नंबर आपको मिल जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कंप्यूटर में 19 नंबर पा रहे होंगे, 18 नंबर पा रहे होंगे, ऐसा करने से हो सकता है कुछ प्रश्न में आपको फायदा मिल जाए और आप वहां पे कंप्यूटर में पास हो जाए, जिसके कारण से आप आगे जो चरण है उसमें प्रवेश ले सके। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। यदि आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सेशन पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और ये वीडियो शेयर अपने मित्रों के साथ जरूर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक हमारे पास गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्स आए, अधिक से अधिक बच्चों के डेटा आए, ताकि मैं आपको एक सटीक कट ऑफ दे सकूं। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।